बनाने जा रही है गेहूं के आटा का बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा हेल्दी नाश्ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, स्वाद अनुसार नमक डाला है और अच्छे से इसमें मिला दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल ही सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो जब भी आप गेहूं का आटा लगाते हैं तो एक बार पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आटा है जो गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आटे में पानी को डालते जाइए और इसे इस तरह से मिलाते जाइए। तो यहाँ पर आटा है जो रेडी हो गया गूंथ कर, तो इसे साइड में अभी मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने गैस पर फ्राई पैन रखा है और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें जीरा बारीक कटा हुआ, इसमें मैंने हरा मिर्च और 1 मीडियम साइज को प्याज को मैंने इस तरह से बारीक कट करके डाला है। सभी को अच्छे से मिला लिया है, मैंने डाला है बारीक हुआ प्याज को, किया हुआ आलू को। आलू को मैंने दोस्तों पहले ही बॉयल कर लिया था और उसे कद्दूकस करके रखा था और इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। तो बस आपको 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिलाकर भून लेना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया, तो इसमें सूखा मसाला ऐड किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, गोलकी जीरा का पाउडर 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला डाला है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर 2 से 3 मिनट और मैं भून लेती हूँ। इससे आलू में टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है, अब ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। आप चाहे तो ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ चटपटा फ्लेवर के लिए इसमें डाला है चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे अभी साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैंने आटे का छोटा छोटा लोई बना लिया है, तो जो रोटी का जो साइज का बनाते हैं दोस्तों उससे छोटा मैंने रखा है। और सूखा आटा लगा के इसे इस तरह से पतला बिल्कुल बेल लेना है और इस तरह से आप साइड से इसे कट कर लीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पर आलू का मिश्रण मैंने रखा है और थोड़ा सा मैंने साइड साइड से पानी लगा दिया है। पानी लगाने से बिल्कुल अच्छे से ये चिपक जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और इस तरह से हाथ से इसे दाबते जाए, ये देखिए। और फॉक से आप इस तरह से इसे डिजाइन दे दीजिए, दोनों साइड इसी तरह से देना है। तो बिल्कुल ये रेडी हो गया, ये देखिए दोस्तों। और इसी तरह से सारा मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए दूसरा भी मैं इसी तरह से तैयार कर रही हूँ। और ये बहुत ही हल्का नाश्ता है दोस्तों, बच्चे को लंच में आप खुद भी टिफिन में ले जा सकते हैं। और खाने में तो मत पूछिए दोस्तों, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है, ये देखिए। इसी तरह से बिल्कुल ही सारा तैयार करना है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, जिसे मैं तेल के अंदर डाल रही हूँ और ऊपर से आप गर्म तेल को डालते जाइए। इसे अब दूसरी साइड में पलट देती हो और दोस्तों इसे मीडियम गैस पर ही आप तलिएगा, इसे अंदर तक ये पक जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो देखिए दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे इस निकाल लेती हूँ और बिल्कुल सेम तरीक़ा से मैं सारा तैयार कर लेती हूँ फ्राई करके। तो यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ इसे एंजॉय कीजिए। और ये देखिए तोड़ने के बाद अंदर में देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, और खाने में तो मत पूछिए बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों गेहूं के आटा से बना है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर से आप इस नाश्ते को घर पर मरे तरीके से ट्राई करके देखिएगा। घर में मेहमान आए या बच्चों को देना हो तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। और मुझे आगे बढ़ने में प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।